रिद्धि डोगरा को भूल आगे बढ़े राकेश बापट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। रिद्धि डोगरा और राकेश बापट अब अलग हो चुके हैं और इसी के साथ राकेश बापट भी अब मूव ऑन कर रही हैं। फिलहाल राकेश बापट बिग बॉस ओटीटी के घर में आपको एंटरटेन कर रहे हैं, साथ ही में उनकी पार्टनर है शमिता शेट्टी। दोनों काफी अच्छे दोस्त नजर आ रहे हैं, पर साथ ही मैं आपको बता दें कि बिग बॉस का घर ऐसा ही है जहां पर नजदीकियां बढ़ते टाइम नहीं लगता। अब ऐसे में बिग बॉस के घर में एक बार फिर से वही हवाएं चलने लगी हैं। आपको बता दें कि राकेश बापट और शमिता शेट्टी एक दूसरे की परवाह करते दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में बिग बॉस ने कैप्टनसी से रिलेटेड एक टास्क दिया था जिसमें घर वाले स्टैचू बने थे। राकेश और शमिता भी स्टैचू बने थे। घर वालों ने उनके ऊपर काफी जुल्म ढाए, काफी सितम किए, लेकिन ये दोनों टस से मस्त नहीं हुए। आखिर इनके ऊपर इतने ज्यादा जुल्म होने के बाद शमिता की तबीयत खराब हो गई, उन्हें ठंड लगने लगी। और जैसे ही वो ये टास्क जीते उसके बाद राकेश बिल्कुल ही उनके लिए परवाह करते दिखाई दिए, उनका ख्याल रखते दिखाई दिए, उन्हें ठंड से बचाने के लिए उन्हें हग किया, साथ ही गर्म पानी और कॉफी पिलाकर उन्हें शांत करते दिखाई दिए और बिग बॉस से बार बार उनकी मदद के लिए बात करते नजर आए। अब आगे क्या होगा, आपको क्या लगता है? और साथ ही आपको बता दें कि राकेश बापट बिग बॉस के घर के रिलेटेड रिद्धि के बारे में बात भी करते दिखाई दिए हैं कि अगर भविष्य में बिग बॉस के घर में वो मुझे ज्वाइन करती हैं तो मुझे बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हम बेशक शादी से अलग हो चुकी हैं लेकिन हम काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। अगर ऐसा होता है कि रिद्धि राकेश और समिता और बाकी सदस्यों को बिग बॉस के घर में ज्वाइन करती हैं तो आगे क्या होगा? आपके जो भी विचार हो नीचे कमेंट सेशन में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। और इसी तरह की बाकी अन्य खबरों के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट।